बच्चन के लिए मैं दीपक सावंत और जितने भी इस फिल्म के साथ जुड़े हैं उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपक का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, पिछले 40 वर्षों से हमारे चेहरे की देखभाल करते रहे हैं और जब कभी भी ये अपनी फिल्म बनाते हैं तो उसमें मुझे एक छोटी सी भूमिका करने को दे देते हैं। इस फिल्म को हमने दरअसल भोजपुरी में बनाई थी, उसके बाद अब इसका अनुवाद होकर के अभी हिंदी में रिलीज हो रही है। जितने भी यहाँ पर कलाकार आपके सामने दिख रहे हैं सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और जितनी सफलता भोजपुरी फिल्म को मिली उससे कहीं दुगनी इस फिल्म को भी मिले, यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत। और आप देखें फिल्म में चूँकि अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी फिल्म का हिस्सा हैं, फिल्म में हैं, तो इन दोनों की एक्टिंग को देखने के लिए तो सभी के सभी उत्सुक हैं, मैं भी एज ए कलाकार। और उसके साथ साथ मेरे लिए तो खुशकिस्मती ये थी कि दोनों मेरे चहेते कलाकार हैं। जया बच्चन जी, जब मैं एक्टिंग स्कूल में आया था, मेरी पहली दूसरी क्लास थी तब मेरी जया बच्चन जी से मुलाकात हुई, तब से उनका प्यार, स्नेह, मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहा है। सिमिलरली अमित जी, हमेशा मार्गदर्शन, अफेक्शन और इसके साथ साथ इंस्पिरेशन अमिताभ जी से न सिर्फ एक्टिंग के क्षेत्र में बल्कि इंसानियत के कुछ सबक भी सीखने को मिलते हैं। अमित जी के बारे में हम क्या कहें, आपने कह दिया कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और हम तहे दिल से दीपक दादा का, अभिषेक जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमें उनके साथ में, जिनके साथ में हम सपना देखते थे कि एक फ़ोटो खिंचवा लें, उनके साथ में हमें काम करने का मौका मिला। और गुलशन जी और जया जी, अमित जी, इन सभी के साथ में काम करने का मौका मिलना ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए हमारी ये पहली हिंदी फिल्म होगी, सो हमें बहुत खुशी है। Yes, I play a bad man, villain, खलनायक in this film, but ये फिल्म जो है लीडर वो आ रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस फिल्म का पार्ट जहाँ पर अमित जी, जया जी और गुलशन ग्रोवर जैसे सीनियर एक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ में काम करने का मुझे पहली बार मौका मिला है। एक MLA, एक पॉलिटिशियन जो कि अच्छा लीडर नहीं है, उसकी भूमिका है। हिंदी फिल्म ही है और लीडर ये कंप्लीट हिंदी फिल्म विद अ रीजनल बैकग्राउंड है और एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, महिला आरक्षण के ऊपर है कि किस तरह से एक महिला को महिला आरक्षण के नाम पर सीट दिया जाता है यूपी बिहार में, लेकिन उसे काम करने नहीं दिया जाता, तो उसी बारे में ये कहानी है। इट्स अ वंडरफुल प्लॉट। हीरो लोग जो है अपने पुराने दोस्तों की फिल्में नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन बगैर पैसे लिए अपने मेकअप मैन, अपने सहयोगी की फिल्म आफ्टर फिल्म करते हैं। यू नो, एन एक्टर लव्स टू प्ले कैरेक्टर्स दैट आर चैलेंजिंग एंड आई थिंक प्लेइंग अ विलन इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। इट रिक्वायर्स समवन टू बी अ फैंटास्टिक एक्टर टू बी एबल टू प्ले अ विलन एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को, जब किसी भी आर्टिस्ट को, एज इन इंडिया में कोई भी हो, जिसको ये पता चलेगा कि अमित जी के साथ में काम करना है, अंदर एक अलग सी गुदगुदी तो मचनी ही है, क्योंकि अमित जी जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ में काम करना ये बड़े सम्मान की बात हर एक आर्टिस्ट के लिए होगी। वो एक पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन है और उनके साथ में काम करते वक्त आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हो जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आर्टिस्ट को कहीं और कोई स्कूल से सीखने मिलेगा। उनकी पंक्चुअलिटी से लेके, उनकी शार्पनेस से लेके, उनकी जो डायलॉग के पहले जो हर डायलॉग की डिलीवरी में भी जो कपकपी रहती है, उसमें उनके अंदर जो एक नया आर्टिस्ट छुपा हुआ है उस आर्टिस्ट की कपकपी दिखती है। मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ लीडर जैसे, मेरी पहली फिल्म होगी बॉलीवुड में। उसके अलावा मैं दो सब्जेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, एक सब्जेक्ट है वुमन फ्रॉम द ईस्ट जो एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और दूसरा है द ब्लैक ट्रुथ जो रांची के बैकग्राउंड पे बेस्ड है। तो
मेरी काफ़ी फिल्में भी आ रही हैं। इस फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है कि इसकी डिमांड नहीं है गानों की, इसीलिए आपको इसमें गाने ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे। इट्स अ बैकग्राउंड में म्यूज़िक आपके चलता रहेगा, लेकिन एज इन सॉन्ग आपको इस फिल्म में नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मूवी है। आई रियली होप दैट लीडर रियली स्टैंड्स आउट एंड द कैरेक्टर दैट आई हैव प्ले पोर्ट्रेट एज लीडर विल ऑल्सो स्टैंड।